हेलो दोस्तों, आप सभी का आशास माइंडफुल लिविंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताने जा रही हूँ। इम्यूनिटी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहा जाता है। एक अच्छी इम्यूनिटी से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए नियमित व्यायाम, सही आहार और नियमित जीवन शैली जरूरी होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इन तरीकों का पालन कर सकते हैं। सही आहार, अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज और दूध जैसे पदार्थ शामिल करें। ये आपके शरीर को विभिन्न पोषक तत्व देते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करना आपके शरीर को फिट रखने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित नींद, अपनी नींद की अवधि को बढ़ाने का प्रयास करें। नियमित नींद लेने से आपका शरीर राहत लेता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ आहार का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित आहार इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी के सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता मजबूत होती है, इसलिए आंवला, लीची, नींबू, किन्नू, आंवला आदि का सेवन करें। विटामिन डी। विटामिन डी के सेवन से भी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता मजबूत होती है, इसलिए सूर्य के किरणों से अपने शरीर को आवश्यक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करें। जीरा। जीरा में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। खजूर। खजूर में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूध और दैहिक उत्पाद। दूध, दही, छाछ और अन्य दैहिक उत्पाद प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंडे। अंडे विटामिन डी से भरपूर होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। मशरूम। एक बहुत ही पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं जो अधिकतर विटामिन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा मशरूम अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले रेडिकल्स के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियमित व्यायाम से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है जिससे शरीर के अंगों और ऊतकों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है कि वह अपने अंगों को संक्रमण से बचा सके। व्यायाम करने से पूरे शरीर में खून का संचार होता है जिससे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। व्यायाम करने से शरीर के रोगों से लड़ने वाले विशेष तंत्रों का संचार बढ़ता है। इससे शरीर में इम्यून ग्लोबुलिन जैसे विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ये कोशिकाएं शरीर को अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करती है। इसलिए यदि आप इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से व्यायाम करें। योग और ध्यान शरीर को स्वस्थ और स्थिर रखने में मदद करते हैं जो कि एक स्वस्थ और मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। योग और ध्यान आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। योग आपके श्वसन संबंधी तंत्र को बढ़ाने और आपके शरीर के रक्त संचार को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा योग और ध्यान आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं जो कि आपकी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कुछ योग आसन जैसे कि वृक्षासन, त्रिकोणासन,
भुजंगासन और शवासन आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ध्यान आपके शरीर में नेत्रों के अधिक उत्पादन के कारण आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, इसलिए योग और ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करना आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए। चैनल के सपोर्ट के लिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।